यस रेखा बोलो। मैम मुझे जीवन से खुशी चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए। मैं एक एक्यूप्रेशर थेरेपी सीख रही हूँ अभी, बेसिक नॉलेज ले रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें परफेक्शन हूँ, मतलब ऐसा करूँ कि कुछ लोगों की मदद कर सकूँ, उनके प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूँ। ये तो आपने लिखा है, लेकिन आपको इस कोर्स में क्या मिल रहा है, ये सब्जेक्ट है अपना? हाँ, अगर मैं इसमें कुछ परफेक्शन ले सकी तो मेरा ट्रीटमेंट करके मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ और इनकम सोर्स शुरू हो सकता है मेरा। ऐसा मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ और मेरा इनकम सोर्स शुरू हो जाए, ताकि मैं खुद के काम खुद कर सकूँ, खुद के डिसीजन खुद ले सकूँ और मेरा इच्छा जो है वो पूरी कर सकूँ खुद की। फोकस ये था ये कोर्स के पीछे कि मतलब हमारे अंदर की ही पावर वो हम खुद जाने। पावर मतलब सबको पता है कि अपने अंदर कुछ तो एक सिक्स सेंस बोले या तो कुछ अलग रहती है, मतलब जैसे स्त्री शक्ति, हर एक के पास खाली बोलते हैं कि स्त्री शक्ति है, लेकिन स्त्री शक्ति के पीछे भी है, जैसे महिला सहनशील है, दयालु है और भी बहुत सारी उसके अंदर चीज है, लेकिन उसके बाद ही मतलब उसके बाहर भी कुछ और है कि जो मतलब ले भी सकती है, दे भी सकती है। लेकिन ये कोर्स से मुझे ना एक पॉजिटिविटी अंदर से, जो मतलब जो बचपना रहता है ना, मतलब इतना निष्पाप स्वच्छ, मतलब बोलते हैं ना कि वैसा चाहिए, निखल, मतलब उसको हिंदी में अभी क्या बोलते, क्लीन, समझ गई मैं। हाँ, हमारा हार्ट चाहिए अंदर से, मतलब बच्चों के जैसे, जैसे बेबी रहता है निष्पाप, ऐसे क्लीन एकदम, जबकि क्या पड़ी है क्या नहीं उससे कुछ नहीं, लेकिन हम अंदर से मस्त है, स्वस्थ है और मुस्कुराहट, मतलब बच्चों को देख के जैसे मुस्कुराहट आती है, मतलब दूसरों को भी वो देते, उनको अंदर से पता नहीं रहता है कि हम सामने वाले को खुशी दे रहे हैं, वैसे है। हाँ, वैसे मुझे मिला है। और मेरे आज का क्या है कि मेरी एक सहेली 3 महीने के बाद मेरा और उसका कॉल हुआ, तो वो मतलब हर बार की तरह ऐसे नहीं बोल रही थी कि मैं ठीक हूँ, ऐसी हूँ वैसी हूँ, वो रोने लगी, कुछ प्रॉब्लम्स वो सब बोलने लगी, तो मैंने सुना, मतलब 1.5 घंटा हमारा कॉल चालू था, लेकिन उसको मेरे साथ बोलने के बाद पता नहीं ऐसे थोड़ा इंस्पायर जैसे बोलते हैं ना, पता नहीं, और मैं भी बोलती गई उसको, पता नहीं क्या, मैं मुझे पता नहीं था कि मैं क्या बातें, मतलब वो अंदर से निकल रहा था कि उसको, मतलब उसका और मेरा बॉन्डिंग कनेक्टिविटी उसको जरूरत थी, पता नहीं कॉल किया। देखो, आपके मन में वो इंटर, यानी आपका यानी सोर्स कहाँ, तो ये यहाँ पे आपने जो सुना वो सोर्स अंदर बराबर काम कर रहा है, वो अभी ब्रह्मांड में बराबर जिनको चाहिए वो बराबर आपसे कनेक्ट हो गया, और वो फील हो रहा था, मतलब जैसे आपने बोला कि मैग्नेटिक एक पावर मतलब रहते है ना। हाँ। और पता नहीं मैं बोलती गई कब, 1.5 घंटा हो गया, पता भी नहीं चला, और वो भी खुश और मैं भी खुश, मतलब ना क्या बोलते हैं ना कि कई बार ऐसे नहीं होता है ना कि अरे क्यों कॉल आया, ऐसे नहीं, लेकिन पता नहीं मैं भी बोलती गई, मेरा पूरा काम पड़ा था, मतलब ना ऐसे पता नहीं मैंने कॉल उठाया, अभी भी मेरे ऐसे मेरे हाथ से बहुत बढ़िया। यही मैं चाहती हूँ, यही चाहती हूँ, ये रियल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ऊपर की बातें नहीं, जब हमारे अंदर से जो रोमांच अनुभूति आती है ना, मतलब बैठी हूँ ना तो पूरे मतलब सहारा बोलते हैं ना, रोम उठा है, रोमांचित हो जाती है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुश हूँ। और यही शायद मतलब समर्पण नहीं कहेंगे, लेकिन वो अंदर से मैंने मेरी पावर का सही समय पे किसी को मतलब यूज हुआ है किसी को, और मुझे भी, मुझे डबल मिला है, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक हाथ से दो हाथ, मतलब ज्यादा मिलेगा, हमेशा हमेशा ज्यादा ही देता है, इच्छा रखो तो वो, पता नहीं कैसे इतना मस्त लग रहा है ना मैम, सही में। और ना कोर्स पता नहीं 3 दिन हुए, लेकिन ऐसे नहीं लग रहा है कि 3 दिन में इतना कुछ मैजिक हो सकता है, तो अभी और भी 15 दिन बाकी, 11 दिन बाकी बाकी है, क्या मिलेगा, सही में थैंक यू सो मच, मतलब खाली शब्दों का सहारा और आपका पता नहीं, मतलब क्या आप में वो ऐसी जैसे बॉन्डिंग का पता नहीं, कनेक्टिविटी की जो पावर है वो सच में कुछ अलग ही है, मतलब बातें करूंगी अभी तो मुझे ऐसे पता नहीं मैं क्या बोलूं ऐसे हो रहा है।
सच और मुस्कुराने मतलब हंसी ऐसे अंदर से आ रही है इतना मतलब बस यही तो मैं खुश चाहती हूँ यार, यही तो चाहती हूँ। सच में हाँ, ऑल इज वेल बोलते हैं ना, वो 3 दिन में मुझे फील हो रहा है सच में। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया।